ओम शांति। आज 26 जनवरी 1970 की मुरली रिवाइज करेंगे। देखिए, बाबा ने एक बात मुरली में कही है कि लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा, लोक लाज का त्याग, हिम्मत की धारणा, स्नेह और वैराग्य का बैलेंस, स्नेह और सहयोग का एक कह लीजिए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, ये तीन चीजें संगम युग पर जब एक साथ किसी आत्मा के अंदर मौजूद होंगी तो उसे संगम युग का फल अर्थात सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने आज की मुरली में हमें योग के स्टेज के बारे में बताया है कि योग का अंतिम स्टेज कैसा होगा। कर्मातीत अवस्था की व्याख्या इसमें ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था मतलब कि कर्म तो करेंगे लेकिन कर्मों का कोई खाता जमा नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई अटैचमेंट किसी कर्म से है ही नहीं, एकदम डिटैच्ड फीलिंग है। क्योंकि गहराई से अगर सोचा जाए तो देवता भी तो एक तरीके से हमारे पतन की ही निशानी है, हालांकि वो पद है, वो हमें एक ऊंचा पोजीशन प्राप्त होगा, लेकिन जो सबसे ऊंचा पोजीशन माना जाएगा क्या वो एक ब्राह्मण जीवन नहीं है? एक ऐसा टाइम जिसमें पूरी दुनिया अधर्म में है और एक चमकते हुए बूंद की तरह, डूबते को तिनका का सहारा की तरह, इस धरती पर जब परमात्मा ज्ञान योग्य कह लीजिए ज्ञान और योग का जो अग्नि बाबा ने एक यज्ञ स्थापना किया है उसमें निमित्त बनकर के आहुतियां डालना, ये अपने आप में सबसे विशेष अपॉर्चुनिटी है। बाबा ने आज रिमाइंड कराया कि तुम्हारे जो संकल्प हैं ये संकल्प ही वाणी और कर्म का रूप लेते हैं, तो अगर संकल्पों को परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो वाणी और कर्म अपने आप सॉर्टेड हैं। जैसे आज से कुछ टाइम पीछे चले जाएं तो लोग अगर अपने वचन से बेमुख होते थे तो उसके लिए भी दंड होता था, है ना? जैसे आजकल की डेट में मर्डर और ये जितने भी विकारी कामकाज लोग करते हैं इन सब के लिए किसी ना किसी प्रकार का दंड कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है। एक्सट्रीम हो गया ना, फिजिकल हिंसा के ऊपर ही केवल दंड है। कोई अपने बात से मुकर जाए, है ना, अगर ऑन पेपर है तो अलग बात है, लेकिन केवल बोल करके कोई मुकर जाए तो अब तो ये गुनाह माना ही नहीं जाता। थोड़ा पीछे जाते हैं तो वचन से मुकरना गुनाह माना जाता था, और पीछे जाए तो संकल्पों में भी अपवित्रता नहीं थी। तो अब ये साइकिल पूरी तरीके से रिपीट होना है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अपने संकल्प के ऊपर सीधे काम करो। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा है और ड्रामा एक क्रिएशन है, अर्थात क्रिएटर बाबा हुआ और हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा समय हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उन चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये क्रिएटर के संतान की निशानी है, है ना? बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, यानी कोई परिस्थिति आई उस परिस्थिति की क्वालिटी नेगेटिव थी, यानी वो दुख और चिंता देने के योग्य थी, लेकिन हमारी स्थिति ने उस परिस्थिति के इम्पैक्ट को, उस परिस्थिति को ही बदल दिया, ऐसा ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा ये तुम बच्चे करो, ऐसा ड्रामा में नूंद है, संभव है। कहते हैं ना कि इस साल शादी का योग है ना, करेंगे तो हो जाएगा, लगन का योग है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, आपके जीवन में इस पर्टिकुलर प्रोफेशन का योग है, तो ऐसे ही ड्रामा में ये योग है, ड्रामा में नूंद है कि हम अपनी स्थिति से परिस्थितियों को बदल सकते हैं संगम युग पर। क्योंकि बाबा ने तो हमेशा हमें कौन से विजय का वरदान दिया है, बाबा ने सदा कहा ना कि माया जीत भव, तो हमारी सफलता किसी एक कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिस या किसी कॉलेज या अपने घर तक सीमित नहीं है, हमारी सफलता हमारे ही कमजोरियों के ऊपर है, है ना? बाकी जैसे कहते नहीं एक के साथ एक फ्री, तो ये जितनी अचीवमेंट्स हैं ये तो इंसान को अपने आप प्राप्त हो जाएंगी अगर वो अपनी कमजोरियों को जीत ले। इसीलिए बाबा कभी इन विनाशी प्राप्तियों की बात ही नहीं करता है, उनको पता है कि ये तो बोनस की तरह प्राप्त हो ही जाएंगी, प्लस पॉइंट है, एक के साथ एक फ्री, लेकिन रिक्वायरमेंट है कमी कमजोरियों के ऊपर जीत पाना। कि कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है तो सुबह उठना पड़ेगा,
है ना, वेट लॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले सुबह उठ करके दौड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आलस्य से जीत पाना पड़ेगा, है ना। फिर तो एक अच्छा स्लिम एंड ट्रिम बॉडी आपको मिल ही जाएगी, है ना। ऐसे ही कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए, यानी बुद्धि का जो भटकाव है उससे जीतना पड़ेगा, माया को जीतना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने सदा माया जीत भव इस चीज को आगे रखा। बाकी चीजें तो अधीन है, स्थिति के अधीन है। बाबा ने कहा कि समय की एक बहुत खास विशेषता है कि समय हमेशा बीती सो बीती के ऊपर ही काम करता है, यानी जो सेकंड अभी बीत गया वो वापस रिपीट होकर के नहीं आएगा। ऐसे ही तुम्हारे लाइफ में जो भी बात बीत गई, बाबा हमें सजेस्ट कर रहे हैं, उसको रिपीट मत करो। बीती सो बीती, ये साधन है आगे बढ़ने का। जैसे समय अपने आप को आज से ठीक 5,000 वर्ष के बाद ही रिपीट करेगा, ऐसे तुम भी अपने आप को आज से 5,000 वर्ष के बाद ही उस परिस्थिति में रिपीट करना, न कि बार बार अपने मन में अतीत को लाते रहना। इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहा गया है ना। बाबा ने हमें ये भी रिमाइंड कराया कि चेहरा ऐसा हो, चेहरा योग के स्टेज की बात हो रही है ना, तो चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो कि किसी को अपनी बुराइयों का रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाए, है ना। शीशा साफ हो तभी हम अपने आप को देख पाते हैं। शीशा अगर गंदा हो, दर्पण गंदा हो, मिरर अगर ब्लर हो, फॉगी हो, साफ ना हो, तो हम अपने आप को उसमें स्पष्ट, इस शरीर के दर्पण, उस शरीर के कह लीजिए रिफ्लेक्शन को बिल्कुल क्लियरली मिरर में नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल क्लियर है, साफ है, तो उसमें कोई व्यक्ति अपने दर्पण को, अपने इमेज को उनके चेहरे रूपी दर्पण या जीवन रूपी दर्पण में आंक पाएगा, है ना, समझ पाएगा, अपने आप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं ना श्रृंगार कर करके, तुम अपने चेहरे को बिल्कुल अपने गुणों से सवार लो, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति कर्मातीत अवस्था का एम रखेगा, जो उसे पाएगा, वो ज्यादा बुद्धि नहीं चलाएगा, बस जहम में सोचा किसी कर्म के बारे में और उसको एक्शन में ले आया। तो बाबा ने ये बातें आज योग के अंतिम स्टेज के ऊपर डिस्कस की हमारे सामने, क्योंकि हम सफलता के सितारे हैं, बाबा ने कहा, पुरुषार्थ के सितारे नहीं हैं। तो स्नेह और सहयोग, स्नेह और वैराग्य का बैलेंस, और अंततः वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जो बाबा ने हमें कई बार आए दिन कह लीजिए रिपीट कराया है, कि बाबा के साथ कंबाइंड रूप में जो व्यक्ति रहा, जो आत्मा रही, वो अपने आप परिवार के सहयोग की मदद से, यानी जो ईश्वरीय संगठन है उसकी मदद से, अपनी कमजोरियों पर विजय पाएगा और स्नेह के कारण जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते दूसरों की भी सहायता कर पाएगा। तो स्नेह और वैराग्य का भी बैलेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये भी अंडरलाइन करना जरूरी है कि लौकिक में वाणी से परिवर्तन नहीं आ सकता, हमारे चरित्र के परिवर्तन की आवश्यकता है। ओम शांति।